सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जिस चैनल को और उसके बाद प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि फ्रेंड्स आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जादू सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल जेएस। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हो तो आप बहुत ही मिस कर जाओगे यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको HDFC OnChat की तरफ से जो ऑफर आ रहा है जिसमें दोस्तों आपको 500 रुपीज का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है वही ऑफर के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 1-2 रुपीज नहीं, यहाँ पर आपको टोटल 500 रुपीज का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। और इस वीडियो में मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखाऊंगा और यहाँ पर जो 500 रुपीज का रिचार्ज है वो आप ही के सामने मैं रिचार्ज करके भी दिखाऊंगा ताकि यहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस वीडियो को सिर्फ एंड तक देखते रहो, ऑफर को अच्छी तरह से समझ लो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे बोलना चाहूंगा कि इतने मेहनत से यार वीडियो बना रहा हूं, वीडियो को एक लाइक तो करके जाओ। लाइक करने में क्या जाता है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना और उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ऑफर आपके हाथ से मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस ऑफर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि फाइंड एप्लीकेशन पे इतना अच्छा ऑफर चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर रेफर 50 रुपीज दे रहा है और यहाँ पर आप फ्री में शॉपिंग कर पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, फ्री में शॉपिंग। तो आप लोग कर क्या रहे हो यार, जल्दी से फाइंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इस ऑफर को लूटना शुरू करो। और सबसे बड़ी बात है, इस ऑफर का वैलिडिटी है 31 दिसंबर तक, मतलब कि इतना सारा आपके पास टाइम है। तो जितना हो सके आप फ्रेंड्स को रेफर करते जाओ और 50-50 रुपीज करके यहाँ पर लेते जाओ और जो भी पैसे आप इकट्ठे करोगे उसमें से दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड में जितने भी आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जितने भी प्राइस का प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट आप बिल्कुल फ्री में, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने घर पर डिलीवर कर सकते हो। काफी ब्रांडेड प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलता है, आप सभी लोगों को पता है। फाइंड एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा एंड इसी एप्लीकेशन के रिलेटेड मैं ऑलरेडी मतलब कि इसी ऑफर के रिलेटेड कल मैं आपको एक वीडियो दिया था, उस वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप ही के सामने प्रोडक्ट को बिल्कुल फ्री में बाय करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं अपने कार्ट पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट को ऐड करके रखा है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो काफी ब्रांडेड प्रोडक्ट स्पेकर और यहाँ पर निकी का शूज देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर मैं नीचे जाऊं तो मेरा कार्ट वैल्यू देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर मेरा कार्ट वैल्यू कितना है, यहाँ पर 6,715 रुपीज, ठीक है ना। अगर मैं सिंपली फाइंड कैश पे जाता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मेरे जो यहाँ पर बैलेंस है सिंपली से मतलब कि 100% रिडीमल जो है, यहाँ पर देखिए यूज कैशबैक आपको सिंपली इस पे सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही देखिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर टोटल 6,715 रुपीज ही डिस्काउंट मिल चुका है, ठीक है ना। और मुझे सिर्फ यहाँ पर पे करना पड़ेगा 49 रुपीज जो कि है डिलीवरी चार्जेस। तो आप खुद ही सोचिए दोस्तों, इतने सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट और इतने प्राइस का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, आप जितना ज्यादा रेफर करोगे, आप जितना पैसे इकट्ठा करोगे उस हिसाब से आप यहाँ पर प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पर सिर्फ 49 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद सिंपली मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, मेरा एड्रेस यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट है, एड्रेस मैं ऑलरेडी यहाँ पर देके रखा हूँ। तो अगर आप अपना एड्रेस सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर न्यू एड्रेस पे क्लिक करके आप अपना एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर 49 रुपीज डिलीवरी चार्जेस है वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो, तो सिंपली मैं अपना UPI ID से पेमेंट कर देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए कि पेमेंट मैं सक्सेसफुल कर चुका हूँ और यहाँ पर ऊपर देखिए फ्रेंड्स कि ऑर्डर सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुका है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप बिल्कुल फ्री में प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। आपको सिर्फ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, पर फ्रेंड्स के हिसाब से आपको 50 रुपीज करके मिल जाता है और उस पैसे से जितने भी पैसे आप इकट्ठा करे हुए उस पैसे से आप यहाँ पर फ्री में प्रोडक्ट बाय कर सकते हो और आप यहाँ पर अनलिमिटेड फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं माय ऑर्डर पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी प्रोसेसिंग पे है, ठीक है ना, मतलब कि ये प्रोडक्ट मेरा सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। अब दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं ऑफर की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों ये HDFC OnChat की, तो यहाँ पर 500 रुपीज मोबाइल रिचार्ज की ऑफर को लूटने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास डाउनलोडेड है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो जाइए प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए फेसबुक मैसेंजर और सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फेसबुक अकाउंट से लॉग इन करना है। जैसे कि मेरा फेसबुक ओपन करते ही आ चुका है फेसबुक अकाउंट, तो सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद कुछ अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, ओके कर दीजिए तो आपका अकाउंट बन जाएगा और आप इस फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन पर एंटर हो जाओगे, आप सभी लोगों को पता है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाइए, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, HDFC OnChat के, आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे कि इस टाइप का आपको लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कहीं पर भी ओपन करने के लिए बोला जाएगा, आप कहीं पर भी कोई भी ब्राउजर पे सबसे पहले इसे ओपन कर लीजिए एंड ब्राउजर पे ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आप डायरेक्ट अपने फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे कि देखते हो तो यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि HDFC बैंक OnChat, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का पेज आ जाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है।
गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी गेट स्टार्टेड का यहाँ पर एक आपको चैट मिल जाएगा, ठीक है ना। आपने ये कर दिया है, ये दोस्तों आप निकी एप्लीकेशन पे यूज किए थे ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। व्हाट्सएप पे जैसे हम लोग की मैसेज करते हैं बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर आपको काम करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहते हो सिंपली वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली आप इसे चैट कर दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल उसी तरह से ये जो चैट का ऑप्शन है यहाँ पर आपको ओटीपी को डाल देना है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ओटीपी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 5 मिनट तक टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप मोबाइल नंबर डालोगे ना तो कुछ टाइम बाद आपको कुछ इस टाइप का आपको मैसेज आएगा, आपको टर्म एंड कंडीशन बोला जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे आपको बोला जाएगा कि आप जो भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना चाहते हो आप डालिए। तो इसके बाद फिर से आप डाल लेना एक बार। तो चलिए मैं फिर से एक बार डाल लेता हूँ, मोबाइल नंबर डाल के सिंपली इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मतलब कि चैट कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस नंबर पे एक ओटीपी आएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद इन 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पर आपके पास ओटीपी आ जाता है, सिंपली ओटीपी को डाल देना है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आ चुका है, यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है एंड ओटीपी डाल के सिंपली इसे पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर पेस्ट कर चुका हूँ और इसके बाद दोस्तों होगा क्या, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और जब भी आप ओटीपी डालोगे तो कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद दोस्तों आपके पास आ जाएगा कि लॉग इन प्रोसेस कंप्लीट, मतलब कि दोस्तों आपका जो अकाउंट है बहुत सक्सेसफुली बन चुका है यहाँ पर ऑन चैट में, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अर्निंग कैसे करना है, तो अर्निंग करने के लिए दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर रेफरल अर्न का ऑफर चल रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है रेफरल अर्न। आप यहाँ पर लिख सकते हो, चैट कर सकते हो, या तो फ्रेंड्स नीचे आपको मोर का ऑप्शन मिल जाता है, आप मोर पे और यहां पर आपको रेफरल अर्न को क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑटोमेटिक चैट हो जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों होगा क्या, यहां पर कुछ सेकंड के अंदर, मतलब कि आपको 1 मिनट 2 मिनट भी लग सकता है, और आपके मोबाइल नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर्ड किए थे बिल्कुल उसी मोबाइल नंबर पे एक मैसेज जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको लिंक भेजा जाएगा, ठीक है ना। और वो मैसेज आएगा निकी की तरफ से। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर दोस्तों मैं चले जाता हूं अपने मैसेज वाले ऑप्शन पे और इसके बाद दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए कुछ इस टाइप का पेज आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए निकी की तरफ से आएगा और यहां पर आपको बोला जाएगा कि योर रेफरल अर्न लिंक फॉर HDFC बैंक ऑन चैट इज ये, तो इसी लिंक को आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है ना। और यहां पर देख सकते हो मैक्सिमम आप 500 रुपीज अर्न कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और पर रेफर के लिए यहाँ पर आपको 50 कॉइन्स मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक कॉइन्स का मतलब होता है 1 रुपीज, मतलब 50 कॉइन्स का मतलब होता है 50 रुपीज, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आप मैक्सिमम यहाँ पर 10 फ्रेंड्स को ही रेफर करना, आपका 500 रुपीज हो जाएगा। अगर आप 10 फ्रेंड्स से ज्यादा रेफर करते हो फिर भी आपको 500 रुपीज ही मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आप इस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और आपके फ्रेंड्स जब आपके लिंक पर क्लिक करके ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, तो दोस्तों इंस्टेंट आपको 50 क्रेडिट हो जाएगा, मतलब कि 50 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से आप मैक्सिमम यहाँ पर 10 फ्रेंड्स को रेफर कर दीजिए। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर टोटल 10 फ्रेंड्स को रेफर कर दिया है, ठीक है ना। आप उससे कम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 10 फ्रेंड्स को ही रेफर करना है, आप उससे कम भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप मैक्सिमम 10 फ्रेंड्स को कीजिए तो आपको 500 रुपीज मैक्सिमम फायदा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको जानना कैसे है कि आपको कितना पॉइंट्स मिला है या नहीं मिला है, तो इसके लिए दोस्तों जैसे कि आप सिंपली मोर वाले ऑप्शन पे जाना, मोर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको माई ओन चेट पॉइंट्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर देखिए तो आ चुका है कि करंटली यू हैव 500 ओन चैट पॉइंट्स एंड ऑर्डर नाउ बिफोर द एक्सपायर, मतलब कि मुझे यह रिचार्ज करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप रेफर करके यहाँ पर सबसे पहले तो आप 500 पॉइंट्स, मतलब कि 500 रुपीज अर्न कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको रिचार्ज कैसे करना है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिचार्ज करते टाइम सबसे पहले आप एक 10 रुपीज का रिचार्ज कर लीजिएगा, ठीक है ना। 10 रुपीज का रिचार्ज करके एक बार टेस्ट कर लीजिए कि आपका जो पॉइंट्स है वो पूरी तरीके से अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अगर आपको 10 रुपीज का रिचार्ज करते समय अगर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाता है किसी और वॉलेट से या पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, तो सबसे पहले दोस्तों आप वो कर लीजिएगा। अगर आपको बोला जाता है, मुझे तो यहाँ पर नहीं बोला गया था, मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं बोला गया था। मेरे भी जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर, मतलब कि 10 पॉइंट्स में 10 रुपीज का रिचार्ज कर पाया था। तो आप भी सबसे पहले 10 रुपीज का रिचार्ज कर लीजिएगा। तो रिचार्ज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको प्रीपेड का ऑप्शन मिल जाता है, आप सिंपली प्रीपेड सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद कुछ समय बाद आपके पास यहाँ पर देखिए एक मैसेज आएगा कि प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर को आप रिचार्ज करना चाहते हो आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे कि मैं अपना जियो नंबर डाल चुका हूं। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहां पर आपको बोला जाएगा कि ये जो मोबाइल नंबर है कौन सा ऑपरेटर का है। तो जैसे कि मेरा जियो है तो यहां पर दोस्तों आपको डाल देना है जियो, ठीक है ना। यहां पर आप जियो नेटवर्क भी डाल सकते हो, अच्छे से डालिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों ये जब आप डाल दोगे अनवेरीफाई हो जाएगा,
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है एंड यहाँ पर आपका सर्कल यानी कि आपका स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल डाल चुका हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से आपको डालना है क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है कंप्यूटर के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल ठीक से डालिए, मतलब कि जो भी आपका स्टेट है, अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अपना स्टेट डाल लीजिएगा। स्टेट डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप अपना अमाउंट डालिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कितना रुपीस का रिचार्ज करना चाहते हो तो आप अपना अमाउंट डाल दीजिए। तो जैसे कि दोस्तों फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर 10 रुपीस का रिचार्ज किया था, तो यहाँ पर दोस्तों आपको डालना है ₹10, या तो फ्रेंड्स आप लिख सकते हो कि ₹10 इस तरह से, यहाँ पर आप ₹10 ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छे से आपको लिखना है। ₹10 डालने के बाद दोस्तों वो वेरीफाई हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर ये यस पे सिलेक्ट कर लीजिए। यस पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस टाइप का मैसेज आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको अपना जीमेल आईडी डालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सिंपली यहाँ पर देखिए अपना जीमेल आईडी डाल चुका हूँ, तो आप भी अपना जीमेल आईडी डाल लीजिएगा, वैलिड जीमेल आईडी। और जीमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हो कि मेरा जो ₹10 का रिचार्ज है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर देखिए 10 पॉइंट्स मेरा कट चुका है, ठीक है ना। 500 पॉइंट्स में से 10 पॉइंट्स कट चुका है और मेरा ₹10 का रिचार्ज हो चुका है। तो ये रिचार्ज ₹10 का रिचार्ज करते समय अगर आपको किसी वॉलेट से पेमेंट करने के लिए बोला जाता है दूसरे वॉलेट से, तो आप वो भी कर लीजिएगा अगर आपको बोला जाता है तो। मुझे तो नहीं बोला गया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आप कंफर्म हो चुके हो कि यहां पर आपका पॉइंट्स यूज हो रहा है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप जितने का भी पेमेंट करना चाहते हो, बाकी जो यहां पर 490 पॉइंट्स आपका बाकी रहेगा, तो आप जितने का भी रिचार्ज करना चाहते हो, अगर आपके पास जियो है तो 399 का प्लान या पर 449 का प्लान 91 डेज के लिए, वो भी कर सकते। जैसे कि दोस्तों ₹10 का रिचार्ज करने के बाद मैंने फिर से यहाँ पर चैट किया था कि मेरा पॉइंट्स कितना है, तो यहाँ पर देखिए माय ऑन चैट पॉइंट्स डालने के बाद यहाँ पर देखिए करंटली मेरे 490 पॉइंट्स बाकी था क्योंकि मैंने यहाँ पर ₹10 का रिचार्ज किया था। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बाकी का जियो का जो बाकी के पॉइंट्स है, जियो का जो है पर 449 का रिचार्ज प्लान है, वो मैंने ऑलरेडी एक्टिव कर लिया है। अब दोस्तों कैसे करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। यहाँ पर आपको फिर से प्रीपेड सिलेक्ट करना है और प्रीपेड सिलेक्ट करने के बाद आप कौन से नंबर पर रिचार्ज करना चाहते हो फिर से आपको नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। अगर आप वही नंबर पर रिचार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दोबारा वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला जाएगा, ऑटोमेटिक आपका नंबर आ जाएगा। और इसके बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देखिए मुझे अपना रिचार्ज अमाउंट डालने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ पर 449 का यहाँ पर रिचार्ज किया था, देखिए तो 449 रुपीज यहाँ पर मैंने लिख दिया था। और इसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा, आपको यस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आप प्रोसेस कंप्लीट करोगे ना, तो यहाँ पर टाइम लग सकता है, ठीक है ना। आपका जो यहाँ पर रिप्ले आएगा वो कुछ देर बाद आ सकता है, तो आपको वेट करना है। इसीलिए मैं आपको करने के बाद वीडियो पे बता रहा हूं, मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता क्योंकि यहां पर मैसेज आने में थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रैफिक की वजह से। तो जैसे कि दोस्तों यहां पर देखिए मेरा 449 का जो रिचार्ज है वो कंफर्म हो चुका था। इसके बाद दोस्तों यहां पर यस पे मैंने क्लिक किया और यस पे क्लिक करते यहां पर देखिए 449 का रिचार्ज मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। मैं आपको मैसेज भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री में सिर्फ 10 फ्रेंड्स को रेफर करने के लिए पहले तो ₹10 मैं ले चुका हूं और इसके बाद जियो का यहाँ पर देखिए 449 का रिचार्ज मेरा बिल्कुल फ्री में हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ऑफर है, बहुत ही बढ़िया ऑफर है, ठीक है ना। सब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो सभी लोग आप इस ऑफर को अप्लाई करिए एंड दोस्तों सभी लोग इस ऑफर को लूट लीजिए, ठीक है ना। तो इसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ पर मुझे जियो की तरफ से मुझे जो मैसेज मिला है यानी कि जो मैंने यहाँ पर रिचार्ज किया है वो सक्सेसफुल का मैसेज भी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने मैसेज पे, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि 449 का जो प्लान है मेरे जियो नंबर पे एक्टिव हो चुका है, ठीक है ना। जियो की तरफ से मुझे भी मैसेज भी रिसीव हो चुका है। तो इस वीडियो बस इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप कोर्स वीडियो का एक लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स अगर आपको इस ऑफर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर।